क्लिनिक लैब धनबाद जांच के नाम पर मुद्रा मोचन एवं भया दोहन की शिकायत झरिया के मोहित कुमार वर्मन ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं सिविल सर्जन धनबाद से किया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि स्वयं लीवर रोग से ग्रसित हैं। अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार अल्ट्रासाउंड एस्पिरेशन के लिए क्लिनिकल लैब धनबाद गए, जहां उसे रोग को गंभीर बता काफी डरा दिया गया और 4500 रुपए ले लिया। और डॉक्टर समीरन बनर्जी ने कहा कि आपके लीवर से पस 3 या 4 बार निकालना होगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आपको 4500 रुपए पे करना होगा। मैं अत्यंत गरीब परिवार से हूं और 6000 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता हूं। मैं दूसरी बार अल्ट्राटेक जांच घर गया, जहां उसी कार्य हेतु मात्र 2000 रुपए लिया गया और वहां के डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने कहा कि एक बार में ही लीवर से पल्स निकाला जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्लिनिक लैब जांच घर प्रबंधक द्वारा मेरे साथ ठगी करने का कार्य किए हैं, इसलिए आज इसकी शिकायत जिला के अधिकारियों से किया हूं, ताकि और किसी गरीब के साथ भया दोहन और मुद्रा मोचन ना हो। वहीं पूर्व पार्षद अनुप कुमार साव ने सिविल सर्जन आलोक कुमार विश्वकर्मा से मिल मोहित कुमार वर्मन की शिकायत को गंभीरता से लेने की बातें कही और उन्होंने कहा कि जिले के सभी जांच घर में मूल्य तालिका बोर्ड की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए एवं चिकित्सकों द्वारा अपने चहेते जांच घर में जांच कराने की बाध्यता को समाप्त किया जाए, ताकि किसी गरीब मजबूर असहाय लोग इलाज के नाम पर बर्बाद ना हो। और साथ में क्लिनिक लैब के द्वारा दिया गया कच्चा पावती वित्र की जांच। जी, क्या कुछ मामला लेकर आए हैं सर आप लोग यहाँ पर? हमारे वार्ड क्षेत्र के मोहित बर्मन है, जिससे कि लीवर में पस हो गया था, वो लीवर रोग से ग्रसित है और चिकित्सकों के परामर्श अनुसार वह जो है आपका धनबाद क्लिनिक लैब में जो है वह गया और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन के लिए वहाँ पर डॉक्टर ने इनको जो है काफ़ी डरा दिया, जो कि डॉक्टर संजन दत्ता ने इनको काफ़ी डॉक्टर संजन बनर्जी उन्होंने काफ़ी इनको डरा दिया कि इस काम के लिए आपको 4500 अभी देना है और यह पस एक बार में नहीं निकाला जा सकता है, 2-3-4 बार लगेगा, तो बार बार आपको 4500 देना होगा। तो काफ़ी गरीब व्यक्ति है, 6000 रुपये महीना का प्राइवेट नौकरी करता है, तो इतना खर्च के लिए काफ़ी यह डरा हुआ था। फिर अंततः यह दोबारा जब उस पस निकालने के लिए अल्ट्राटेक जाँच घर गया तो वहाँ पर इसको मात्र 2000 रुपये, तो इससे ये अंतर जो है 2000 कहीं 4500, इतना ज़्यादा अंतर के लिए ये लड़का जो है आज जो है सिविल सर्जन धनबाद के यहाँ शिकायत के लिए आया था। और साथ साथ हमने भी सिविल सर्जन से ये मांग किया है कि जिले के सभी जांच घर में, चाहे जितने भी जांच घर, सब में मूल्य तालिका बोर्ड लगाया जाए, इसमें जो भी जांच का जो निर्धारित राशि है उसको वो अंकित किया जाए, ताकि कोई भी मरीज, कोई भी गरीब आदमी के साथ भय दोहन मुद्रा मोचन ना हो। और हम यही डिमांड किए हैं कि सभी जिले के जाँच घर में आपका जो है मूल्य तालिका बोर्ड लगाना सुनिश्चित कराया जाए और साथ ही साथ यह भी मांग किए कि किसी भी जिले के चिकित्सक के द्वारा अपने चहेते जांच घर में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, ताकि होता क्या है कि किसी डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप अमुक जांच घर में ही जाके जांच कराइए, ऐसी बाध्यता भी समाप्त हो। अरे, जिसे जहाँ कुछ राहत मिलेगी आदमी लोग वहाँ जाता है कराता है, तो इस प्रकार से क्लिनिक लैब जो है काफ़ी वहाँ पर गलती कर रहा है, वहाँ पर लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है। इसी की कार्रवाई की मांग के लिए मोहित आया और उसके मांग को जो है हम उचित ठहराते हुए हमने भी सिविल सर्जन से कहा है कि मोहित कुमार के शिकायत को गंभीरतापूर्वक लिया जाए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से आपका यह डिमांड को जो है मूल्य तालिका बोर्ड वाला डिमांड को हम लागू कराते हैं और साथ साथ जो भी आपने शिकायत दर्ज कराया है इसकी मैं क्या कुछ मामला आप लोग यहाँ लेकर आए हैं सिविल सर्जन से मिलने के लिए? मामला ये है कि जैसे कि हम क्लिनिक लैब में गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो वहाँ पर मेरा पेट में लीवर में पस निकला, तो उसको निकलवाने के लिए मतलब कि वहाँ पर ही निकलवाएं तो वो पूरी तरीके से बढ़िया से नहीं निकाले और
पैसा भी वहाँ पर ही ज़्यादा लिया गया, 4500 रुपया लिया गया। और सेम जांच सेम चीज़ के लिए अल्ट्राटेक में करवाएं, वहाँ पर ही भी निकाले 160 ml पस निकाला मेरा दोबारा। और वहाँ पर ही बोला गया कि ये सेम डे पूरा निकल सकता था, आपको दोबारा यहाँ पर आने का ज़रूरत नहीं था। और वही जाँच के लिए वहाँ पर ही 2000 रुपया लिया गया। और क्लिनिक लैब में ये बोला एक बार निकालें, पूरा नहीं निकाले, बोले कि तीन चार बार आना पड़ेगा तब फिर पूरा निकलेगा। और डॉक्टर से भी हम लोग दिखवाए थे झरिया में भगनिया हॉस्पिटल अनुप शर्मा से, वो ही बोले थे कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो क्लिनिक लैब में गए तो इस तरीके से मतलब हुआ। तो यहाँ पर आप किस लिए अभी यहाँ पर यहाँ सिविल सर्जन को वही लिखित तौर पर हम लोग शिकायत किए हैं कि इस पर मतलब कार्रवाई किया जाए। और अपना परिचय देंगे सर? मोहित कुमार वर्मन, झरिया, दलिया।